आपको होने वाले हैं, 2 मिनट होने वाले हैं। इसी तरह आपने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पानी में इस तरह ठहराना है। तो ये आपकी बेसिक है फ्लोटिंग, फिर उसमें आपको उल्टा पाँव चलाना है, बेसिक है। जब सिर्फ पाँव चला के आपने मूव करना है, आप उसमें फ्लोट होंगे, आप ऊपर ऊपर रहेंगे पानी में। और मेरी वीडियो लोगों के काम की होती है, लोग ये समझ रहे हैं कि ये यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए बना रहा है। भाईजान, मैं आपके काम के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बहुत फ़ायदा है आप लोगों को। अल्लाह ताला हमारे पूरे मुसलमानों को अपने हफ्ज़ो अमान में रखे। तो जो ये कोहाट का वाक़या हुआ, इसको आप नज़रअंदाज मत करें। और मैं सब दोस्तों को कहूँगा कि अपने बच्चों को जहाँ मौका मिले, जहाँ जहाँ वहाँ पर ये स्विमिंग तो लाजमी सिखाएं। फजूल कामों से ये बेहतरीन चीज़ है। टाइम मिले तो वालदैन कोशिश करें कि अपने औलादों को ये स्विमिंग सिखाएं। तालीम, ये तालीम का हिस्सा बनाएं। ये भी कभी भी अगर महीने में एक दफ़ा भी टाइम मिले तो अपने बच्चों को स्विमिंग पूल पे कहीं ले जाएं कि इसको बेसिक टिप दें। अपने औलादों को कुरान पढ़ने की तलकीन करें, नमाज़ पढ़ने की तलकीन करें। लेकिन अगर कभी आपको महीने 2 महीने में टाइम मिले तो किसी स्विमिंग पूल में बच्चों को ले जा के वहाँ दिंगा मस्ती करने के बजाय ये बेसिक टिप्स, मेरी वीडियो देखें या कोई और माहिर लोग हैं उनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनको देख के अपने बच्चों को उसकी प्रैक्टिस करवाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मकसद कहने का है कि मेरी खोला भी थी, मेरे साथ आती रहती थी 2-3 साल 4 साल, जब यहाँ आई है तो वो खेलती रहती थी। फिर मैंने उनके ऊपर थोड़ी सख्ती की, तो इस दफ़ा इस सीज़न में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह और एक दिन ही उसके ऊपर सही तवज्जो से मेहनत की और उसने भी आगे से रिस्पॉन्स दिया, कोशिश की सीखने की। तो मेरे भाई के बेटे ने और अरम ने और खोला ने फ्लूटिंग सीखी और अभी मेरी इसमें शार्ट भी मौजूद है, इसमें वीडियो भी मौजूद है जो खोला फ्लूटिंग कर रही है पानी में। तो ये भाई अभी नहीं, इससे पहले जानते थे, ये उज़ैर भाई, तो शाह फैसल कॉलोनी से आए हैं। सुबह ठंड में और धुंध थी और मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था, मैंने कहा भाई मैं पानी में नहीं उतरूँगा, लेकिन ये बच्चा डर रहा था पानी में आने में, तो कह रहा था कि यार मैंने कभी उतरा नहीं हूँ। फिर मैं इसके साथ उतरा पानी में, अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लूटिंग नहीं जानता था, अभी ये फ्लूटिंग सीख गया। स्विमिंग जानता थोड़ी सी, लेकिन ये कि 10 सेकंड के लिए 10 हाथ मारेगा, 15 हाथ मारेगा, उसके बाद थक के पाँव लगा देगा। लेकिन ये चीज़ है कि अपने आप को पानी में ठहराए रखना। तो ये फ्लूटिंग इससे पहले इसको नहीं आती थी, आती थी आपको? नहीं। तो अभी आज ये मैंने अभी इसे इनके ऊपर 15-20 मिनट आधा घंटा मेहनत की है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इनको एक दो टिप बताइए, काम इन्होंने किया, मैंने नहीं करके दिया, मैंने इनको सिर्फ जो एक दो चीज़ें बताई हैं, तो ये माशाल्लाह भी फ्लोटिंग करना सीख गए। यानी कि 2 पाँव हाथ मारेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस तरह लेटे लेटे भी अगर चप्पू की तरह नीचे नीचे अंदर अंदर हाथ मतलब यूं मारता रहे तो ये कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता किनारे पे, किसी से हेल्प ले सकता है, इतनी देर अपने आप को ठहरा सकते पानी में कि कोई आवाज़ है चीखे मार के किसी को अपनी मदद के लिए पुकार सके। तो ये देखें, इस तरह आप पाँव भी चलाते रहें, नीचे इसके पाँव नज़र आ रहे होंगे, पाँव चलाकर और हाथ हल्के हल्के हाथ चलाकर आप किसी किनारे तक चीखो पुकार करके अपनी मदद के लिए पुकार सकते हैं। तो ये ज़रूरी है भाई। तो बोलता आपके फ़ायदे के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ GoPro से, अभी मैंने ख़रीदा है। तो भाई ये मैंने YouTube की कमाई से नहीं ख़रीदा, अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़ाती पैसों से ख़रीदा है। तो और इसमें वीडियो ताकि आपको सही चीज़ सही तरीके से नज़र आए और हिले नहीं वीडियो, आपके आपको मेरे बात समझाने का मतलब जो बात समझा रहा हूँ वो आपको समझ आ जाए। तो ठीक है, ऐसी वीडियो डालता रहूँगा।